गुड मॉर्निंग कथन। गुड मॉर्निंग भाई। अबे यार डागा, पहले गुड मॉर्निंग तो बोल देगा दे। डिस्कशन है या ना आज? क्या मतलब डागा, इतनी पढ़ाई कर रहा है, लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सेम टू यू। चलो भाई, अरे यू तो आज डिस्कशन डिस्कशन करेंगे हम लोग। एम एस चौहान, चैप्टर नंबर 12, लेवल 1। तो सबसे पहले डाउट डिस्कशन, चैप्टर 12, एरोमेटिक कंपाउंड और एमएस का डाउट है ये। ठीक है, तो लेवल 1, तो सबसे पहले डाउट्स, और जो डाउट्स नंबर भेजोगे वो एवरीवन में भेजोगे, जिसमें सबको पता चले डाउट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक बताओ पहले तो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो भी टिक किए थे वही बताने केवल, है ना? वन टू टेन में कोई डाउट नहीं है। नाइन, नाइन, जिसको भी डाउट है सब भेजे लिख के, है ना? ऐसा नहीं एक लिख के भेजे, पता चले किसको कौन कौन लगा के आया है। नाइन डाउट है सबको। ठीक है, नाइन्थ वाले में चलो नाइन्थ बताता हूँ फिर। ठीक है ना? अच्छा, नाइन्थ के बाद और 10 से लेके 11 से लेके 20 का, 11 से 20 और बताओ नाइन्थ के अलावा। 11 से 20, 10th, 13th, 14th, 14th। चलो अब यहीं तक, पहले यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तन्मय का 17, 15। चलो अब पहले इतना सॉल्व कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन में जो स्ट्रक्चर दिया उन्होंने बना के, वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि और रिएक्शन है कन से, मतलब सिंपल सा नाइट्रेशन कराया गया इसके ऊपर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नाइट्रेशन कराया गया है, दो रिंग है, तो ऑब्वियस बात है विच रिंग आर मोर स्टेबल, मैं सॉरी विच रिंग आर मोर रिएक्टिव। तो प्लस
हाँ जिस बाजू में ओ है उसकी पैरा पे जाके जुड़ेगा। ऑब्वियस बात है, देखो ये इस ग्रुप का जो होगा वो माइनस एम इफेक्ट होगा, इस ग्रुप का जो होगा प्लस एम होगा। मतलब ये माइनस एम इस रिंग पर माइनस एम लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के स्पेक्ट में क्या कर रहा है, इसको लेस रिएक्टिव कर रहा है। जबकि इस ओ का जो लोन पेयर होगा वो इस रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ डाउट क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसको एक्टिवेट करेगा, जबकि माइनस एम क्या करेगा, इसको डीएक्टिवेट करेगा। तो नाइट्रेशन किस पोजीशन पे होगा बेटा, ऑब्वियस बात है पैरा पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा, ऑर्थो पे तो हिंडेंस हो जाएगा ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डाउट क्लियर हुआ बेटा सभी का? मैं इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विद द ओ नाइट्रेशन, क्या रेट ऑफ बताना है। हाँ सेम कंसेप्ट बेटा, 10th जो 9th में लगाया ना वो 10th में लगा के देखो। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है वो सेम कंसेप्ट लगा, वही प्लस एम और माइनस एम। भाई जहां तक है मुझे लगता है तो थर्ड वाला जो होगा, जो थर्ड वाला बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सर आपने प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पर, नहीं आदित्य मैंने लास्ट टाइम का ये वीडियो यूट्यूब पर डाल तो दिया है, आपने लिंक नहीं मांगी तो मैंने सेंड नहीं किया। आई थिंक वो रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, मैंने पब्लिक नहीं किया। चलो मैं पब्लिक कर देता हूँ, मैं अभी मैं तो लास्ट उसी दिन डाल दिया था बेटा। मैं एक्चुअली यदि आपको 2-3 घंटे में वीडियो नहीं मिले ना सर, पब्लिक था तो फिर आदित्य को क्यों नहीं मिला, तो मुझसे मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं लिंक भेज दूंगा या फिर कुछ और कर दूंगा, ठीक है ना आदित्य। हाँ मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है चलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में बना समझाऊँ बेटा कि समझ में आ गया है, ये बताओ पहले तो। जिसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 मुझसे, 10 पूछा था नारायण ने, बेटा कर लोगे कि करके दिखाऊं मैं? हो जाएगा ना, मतलब दो इनडायरेक्टली बता देता हूँ। फर्स्ट वाले में दोनों ही रिंग माइनस एम की तरह काम करेंगी बेंजीन रिंग पर, ठीक है। सेकेंड वाले में एक जो ग्रुप होगा वो प्लस एम कराएगा, दूसरा माइनस एम लगाएगा। थर्ड वाले में दोनों ही प्लस एम लगाएंगे ना, तो वैसे ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी तो आप डायरेक्ट बता सकते हो जैसे लिख दिया उस हिसाब से मैंने तो। ठीक है अब है क्वेश्चन नंबर 13th। रैंक ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट। यार सेम कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी पूछी बेसिकली मैंने। मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी ही पूछी है 13th क्वेश्चन में। किसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल बनेगा, ऐसा भी आप चेक कर सकते हो। क्योंकि दिक्कत किस में आ रही होगी, पहले और फर्स्ट और सेकंड में दिक्कत आ रही होगी, थर्ड तो समझ में आ गया होगा कि थर्ड तो मिनिमम हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड वाले में आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक कर लो, और वैसे ही आपको पता है बेटा ऑर्थो और मेटा में कौन सा होगा। फर्स्ट तो मेटा पे है, पहला मेटा पे है तो पीछे हो जाएगा, ऑर्थो वाला आगे हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है मेटा पे तो वैसे ही लेस रिएक्टिव होता है यार वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो ग्रुप तो रिएक्टिविटी को कम करता है ना। ओ भाई जिस बच्चे ने पूछा था उसको समझ में आया क्या बेटा, किसने पूछा था 13th क्वेश्चन में? छमीनाल बेटा समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं इससे रिलेटेड कुछ भी? हिंट के लिए देता हूं, चेक द सिग्मा स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आपको मेकेन समझाई थी तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बताया था मैंने आपको, और स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन की थी किस तरीके से, ठीक है ना। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th। पिक द सेम कंसेप्ट यार, सेम क्वेश्चन लाइक ऑफ 9th और 10th। अच्छा 14th समझ में आया, पहले देखो जो पूछता है वो जरूर रिप्लाई किया।
पहले क्वेश्चन नंबर 14 से जिसने पूछा था वो जवाब दे पहले तो, है ना। किसने पूछा था एक बार देख लूं, प्रणव ने पूछा था, प्रणव पवार। बेटा हो जाएगा 14th। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सेम कंसेप्ट है, लगा देना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था शायद, नहीं 15th, फिर 17th, 15th। आइडेंटिफाई द पोजीशन देयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। 1, 2, 3 एंड 4 किस पोजीशन से ये होगा? तो जहां सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उस जगह से देख लो एक बार आप। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन फर्स्ट होनी चाहिए बेटा, एक पर ही आएगा, क्योंकि नाइट्रो का जो लोन पेयर होगा वो प्लस एम लगा रहा है ना, एन। एक तो प्लस एम लग रहा है, दूसरी साइड से प्लस आई भी लग रहा है ना, इसलिए वन पोजीशन तो मोर रिएक्टिव हो जाएगी ना। आंसर बी दिया है। देखता हूँ यार, मतलब आंसर कौन सा क्वेश्चन है, 15वां है ना। अरे ए दिया आंसर यार, पोजीशन नंबर 1 है भरत, कर लोगे ना? ठीक है, मतलब इसमें क्या लिख देता हूं मैं कि एन का प्लस एम रहेगा, और तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, सल्फोनेशन इज द मोस्ट फेवरेबल एट द कार्बन नंबर। यार इतने इजी सवाल पूछ रहे हो यार तुम लोग, है? अभी तुमको बताया था ना पैरा पे होगा 2 नंबर पे। जो 17th किसने पूछा था बेटा, आप देखो ना एन का, मतलब सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9। चलो ठीक है, अब आ जाओ 18th, 19th, 20 में कोई डाउट? 18th, 19th एंड 20 में कोई डाउट तो नहीं कि तीनों में? ओके, नेक्स्ट डाउट नंबर रहेगा आपका, सर एक्सप्लेन द हाउ ए इक्वल टू सी इन क्वेश्चन नंबर 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 में ए ओ सी इक्वल कैसे? 2 मिनट रुकना बेटा, देखता हूँ मैं। अरे ए ओ सी बेटा इक्वल इसलिए हो जाएंगे कथन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हो या ड्यूटेरियन जुड़ा हो, है तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 डाउट है। ट्वेंटी थ्री सीधा, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओए होए, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप ही लोग बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट क्या बनता था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था कि नहीं बनता था? अथर्वडागा और वेदांत, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा, थर्ड प्लेनर है, रेजोनेंस होगा उसमें, ऑब्वियस बात है। यदि याद हो, यदि मैं इस कंसेप्ट को बताऊंगा तो आपको यदि याद होगा, तो मैंने आपको जब वो सिखा रहा था ना आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में कहा था ना, जब दो रिंग और उसमें केवल एक ही ब्रिज हेड होता है तो वो स्ट्रक्चर प्लेनर पर रह जाता है, याद है ना? B1, B1, B2, B3, B4, स्टार वालों को शायद बताया था मैंने रिंग के बारे में, कि जब दो रिंग के अंदर एक ही कार्बन का ब्रिज होता है तो ऑब्वियस बात है वो रिंग स्ट्रक्चर प्लेनर रह जाता है। तो स्ट्रक्चर आंसर क्या आएगा, 3, 2, 1, आंसर इसका यही तो आ जाएगा। 3 का सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल होगा 2 वाले से और 1 वाले से। अब बताओ 23 क्लियर हो गया सभी को?
और हिंट के लिए बेटा इतना लिख लेना कि जो थर्ड स्ट्रक्चर है ना वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर है इसलिए रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 नहीं दिया था, 27। एक बार प्लेनर का बताओ बेटा। ऐसा है ना अदिता बेटा, देखो ना आपको एक चीज सिखाई थी ना आइसोमर के अंदर, आइसोमर में रेजोनेंस सिखाया था ना, वो आइसोमर सिखाई थी ना कि जब दो रिंग किसी भी अटैच होती हैं आपस में और उनके बीच में ब्रिज, ऑर्थो पोजिशन पे जो ब्रिज होता है, यदि उसके बीच में यदि एक ही कार्बन होता है तो ऑब्वियस बात है रिंग बंधी होती है, टाइटली पैक्ड है ना वो रिंग, और जब टाइटली बंधी हुई है तो ऑब्वियस बात है आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएंगी ना। अदरवाइज दो ग्रुप, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि बेटा यही स्ट्रक्चर ऐसा दे देता मैं, देखना ध्यान से, यदि बेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता तो ये रिंग एक दूसरे के क्या होती, परपेंडिकुलर होती हमेशा अद्वितीय। है ना, तो अब ये, और जबकि अब इस टाइम पे क्या है ये पर 90 डिग्री पे है दोनों रिंग एक दूसरे के साथ। ठीक है, जबकि इस वाले केस में ये प्लेनर होना चाह रही थी, मतलब परपेंडिकुलर होना चाह रही थी, लेकिन ये बंधी हुई है ना तो प्लेनर ही रहेंगी। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं बेटा। ओके चलो ठीक है, अब हाँ एक एक करके थोड़ा पेशेंस का। 27 तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ 27 में डाउट किसी को नहीं है, 29 में डाउट है आतिश को। 29 AlCl3 है, चलो अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। हाँ वो होगा तो एसलाइजेशन, लेकिन चलो उसकी डाउट है तो उस क्लियर कर देते उसका। हाँ, डाउट पहले 29 डिस्कस कर लेना सेकेंड, और मैं कैसे कंपेयर करोगे क्योंकि इसमें रिंग में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। 29 की बात कर रहे हो क्या कथन ए वेदांत? 23 की बात कर रहा है क्या बात में सिग्मा, क्योंकि इस रिंग में सिग्मा, अब बेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रेजोनेंस होता रहेगा ना, यदि प्लेनर स्ट्रक्चर होगा दो रिंग में। हाँ बेटा साहिल आज डिस्कशन ही है तो आप रेस्ट ले सकते हो आज। वेदांत, चलो वेदांत अभी बताता हूँ मैं, है ना, पहले डिस्कस कर ले इसको, पहले इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले तो बेटा ये समझना है, जिसने किसने डाउट पूछा था, आतिश ने, टूटेगा और ऑर्थो पे जुड़ेगा। हाँ सही बात है बेटा, भाई इस वाले केस में AlCl3 हो गया, ये क्या है सुनना ध्यान से, कहाँ पे कैसे कॉन्टेक्ट करता है ये AlCl3 क्या है, ये लुईस एसिड है, अटैक कहाँ पे करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेगा। अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो यहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे, या यहाँ पे अटैक करे, तो वहां पे अटैक करेगा जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, अटैक वहां पे करेगा जहां पर पोलराइजेशन क्या होगा ज्यादा होगा। तो सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन ने यहां से इलेक्ट्रॉन किया तो ये हो जाएगा निगेटिव, और जब ये निगेटिव हुआ तो देखो ये निगेटिव हुआ तो ये AlCl3 कहाँ पे अटैक करने वाला है, यहाँ पे अटैक करने वाला है, कोई डाउट आतिश? तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या कह रहे हो दूसरे वाले पे होगा? अरे रुक जाओ बेटा कथन, 2 मिनट वेट करो ना, बताता हूं मैं, कर रहा हूं ना सॉल्व मैं ये इस क्वेश्चन में। अब फिर इसके बाद CH2, ये आपका CH, ये आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, ये ओ ए सी और डबल बॉन्ड ओ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे रहेगा AlCl3 नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव,
तो इनडायरेक्टली कहो तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा अपना बेटा, ये बॉन्ड तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा भाई, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा इस प्लस को खत्म करने के लिए, क्योंकि और तो कहीं से कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से, ये इस ये रहेगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH, ये हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, और ये C डबल बॉन्ड O, और साथ में रहेगा बेटा आपका क्या, सॉरी O पे प्लस रिलीज हो गया था और रह गया था AlCl3 माइनस, ये रह जाएगा। अब यहाँ पे अटैक करेगा भाई, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और अब इसकी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे अटैक करेगी इस पोजीशन पे, ऐसे। बात समझ में आ गई क्या बेटा कथन? हाँ नोट भी कर लो इसको, नोट करना हो नोट कर ले इसको। ओके ठीक है, और ये अटैक करेगा तो इसके बाद जो बनाना है तो इस तरीके से 1 2 3 चौथा कार्बन जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक कार्बन, और 29 का आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा, बी आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा एसिड तुम्हारा, ऊपर वाले पे भी अटैक कर सकता है ना बेटा। दोनों बॉन्ड में यदि आप स्टेबिलिटी चेक करोगे ना, तो जो तुम्हारा आ जाएगा वो नीचे वाले पे अटैक करेगा AlCl3 भाई। एक तो पहली बात तो एसिड एंड हाइड्रेट का केस है, और साथ में चेन जुड़ी है ना यहाँ पे, वहां पे चेन नहीं आई हुई है प्रतीक, और तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि इस पोजीशन पे कार्बन जुड़ा है, कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आ गया है आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ आ गया है, उसके बाद एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन, COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा, 29 का आंसर है, बी आंसर आ गया ये। अब तो कोई डाउट नहीं है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, 33, अच्छा 31 में डाउट है डागा को, 31 तो दिया ही नहीं था बेटा, 31 में डाउट कहाँ से आ गया, 31 क्वेश्चन दिया था क्या आप लोगों को, अच्छा दिया था, अच्छा मैंने सर्कल लिंक किया शायद वो, ओके ओके ओके, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, चलो ठीक है 31 भी कर लेते हैं, 31, 31 में स्ट्रक्चर काफी बड़ा हुआ है, पहले तो ये देख लेते हैं, बहुत स्ट्रक्चर है, ठीक है देख लिया। देखो एक चीज समझो ध्यान से, चलो मैं एक चीज समझाता हूँ बेटा, 31 में सबसे पहले रिएक्टेंट में कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, 31 में रिएक्टेंट में कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, यदि कीटो ग्रुप है तो आपको बताया था कीटो ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, मतलब यदि आपको याद हो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं इस ग्रुप में, याद है ना, तो दो तरीके के रिडक्शन करते हैं हम लोग, या तो क्लीमेंशन या फिर वुल्फ किशनर, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था बताओ मुझे, मतलब पहला स्टेप जो होना चाहिए बेटा वो आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका AlCl3, ये तो आंसर आप बेटा देख के बता देते यार, इसका आंसर बी आना चाहिए, देखो ध्यान से, क्योंकि बुल्फ के भाई सिंपल सा, देखो सुनना मेरी बात, मैं दो दो समझाता हूँ, ऑप्शंस नंबर बी में दिया हुआ है क्लीमेंशन दिया हुआ है, जबकि ऑप्शंस नंबर डी में दिया हुआ है बुल्फ किशनर दिया हुआ है, सुनना मेरी बात, ऑप्शन नंबर बी में पहले स्टेप में दिया हुआ है क्लीमेंशन, ठीक है, और डी में पहले क्या दिया हुआ है वुल्फ किशनर, मतलब यदि मैं इस स्टेप की बात करूंगा तो दोनों स्टेप से मुझे क्या मिलेगा बताता हूं मैं आपको,
हमें कुछ ऐसी मिल जाएगा दोनों स्टेप की बात, देखो बताता हूं मैं। ये मिल जाएगा हमें दोनों स्टेप में, बी से करो चाहे डी से करो, हमें ऐसा मिलेगा। अब इसके बाद हमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए है, आप देखो ध्यान से, वहां पे एसलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ वहां पे? एसिलाइजेशन हुआ ना, मतलब एसिल क्लोराइड आना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, डी में नहीं दिया हुआ है। अब मेरी बात समझ में आ गई बेटा सभी को? यहाँ पे एसिलाइजेशन किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसलिए आंसर आपका बेटा बी करेक्ट हो जाएगा और डी रॉन्ग हो जाएगा। एनी डाउट? समझ में आ गया बेटा सेकेंड स्टेप से? चलो अगर डी ऑप्शंस में एसिल ग्रुप होता तो कैसे कंपेयर करते पहले से फिर बेटा? तो वेदांत, पहली बात, मोर देन वन, यदि यदि इस क्वेश्चन को मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होगा तो ही लिख के ऐसा आएगा, क्योंकि क्लीमेंशन और वुल्फ किस्नर का एक ही काम होता है ना। और बाय द वे भी आ भी जाए तो ऑब्वियस बात है फिर वहां पे वुल्फ किस्नर को लेके क्लीमेंशन को नहीं लेते फिर, है ना? पहले एसलाइजेशन, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से प्रतीक, पहले एसलाइजेशन और फिर क्लीमेंशन क्यों नहीं हो सकता है? इसका रीजन सुन लो ध्यान से। यदि आप पहले एसलाइजेशन करोगे तो कीटो जो ग्रुप जुड़ा है ना साइड में बेंजीन के इस पोजीशन पे, याद है ना कीटो, ये ग्रुप बताता हूं मैं, चलो बना देता हूं मैं। हाँ, वो डिस्टेबलाइज करता, और सिंपल सी बात है बाद में वही रिड्यूस हो जाता। कथन सर लेक्चर अपलोड करने वाले हो क्या नेट के पलों में? हाँ करूंगा आज। भाई जिसको जिसने पूछा था मुझसे, प्रतीक ने पूछा था कि वेदांत ने, हाँ प्रतीक ने, देखो प्रतीक ये था ना कीटो ग्रुप ना यहाँ पे, इसकी वजह से क्या कर रहा है, रिंग को डिस्टेबलाइज कर रहा है ना ये, तो मतलब रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। तो पहले आप एसलाइजेशन कैसे कर सकते हो प्रतीक? हाँ ओके, अब 31 के बाद 32, 33 एंड 34, 34 पहले, थर्टी फोर, विच पोजिशन बिल्ड अटैक मोस्ट रैपिडली इन द नाइट्रेशन। अरे यार इसमें बताने वाली बात क्या है, आप ही कर सकते हो 34 को, तो 34 को तो डाइट कर सकते हो ना अंशुमन। यार अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना, मतलब सिंपल सा सुनो, चलो मैं फिर समझा देता हूँ, फिर से समझ लो। जब भी दो बेंजीन हो या एक बेंजीन हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे सपोज इसमें दो बेंजीन बना के दे दी और इन्होंने पोजीशन दे दी कौन कौन सी, एक तो सी डी दे दी और एक दे दी ए और बी दे दी, ठीक है ना? और यहाँ जोड़ दिया इन्होंने कौन सा ग्रुप, कीटो ग्रुप जोड़ रखा है, और यहाँ जोड़ रखा है इन्होंने OCS3। आप बेटा खुद बताओ अंशुमन, ये ग्रुप बेटा क्या है, माइनस एम लगाएगा तो रिंग को क्या करेगा, ये डीएक्टिवेट करेगा ना, ये डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, तो मतलब ए और बी को क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव कर रहा है, जबकि ये ग्रुप क्या है, प्लस एम है, तो रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट करेगा कि नहीं करेगा? और सबसे अच्छा किसको करेगा, जो सबसे पास में होगा, तो पास में कौन है, डी है ना, तो आंसर डी होगा कि नहीं होगा इसका? सेम क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है ना। अब है 33-4 के बाद 35। ओके बेटा 35, 35 क्या है? ये क्वेश्चन, हाँ 35 पूछा था इसने, क्या कहते, हाँ 35, 35 पूछा था, 35 वाले को बेटा रुक जाओ अभी, है ना, एक बार वो उसमें बताऊंगा तुमको मैं, ठीक है? तो वेट करो 35 के लिए अभी, क्योंकि 35 में तीनों सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं ना इस वजह से।
35 को नोट कर लेना एक बार मुझसे, कहना मुझे व्हाट्सएप कर देना 35 क्वेश्चन के लिए। वैसे उमंग का आया था तो फिर मैं इसको सॉल्व करके भेजता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। 36 हो जाएगा, जय गायकवाड़। 36 में डाउट है, ऑल द हाइड्रोकार्बन सोन द वेरी वीक एसिड, हाउ एवर द मोर एसिडिक देन द अदर, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यार इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर चेक कर लो ना, ये 36 वाले में एरोमेटिक कैरेक्टर चेक कर लो। आज तो बेटा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना, थोड़ा देख के करना पड़ेगा मुझे भी थोड़ा सा, इसलिए बस बता दूंगा मैं आपको कल। 36 हो जाएगा ना बेटा, जय। और चेक द एरोमेटिक कैरेक्टर। अरे 36 एक बार बता दो ना। अरे प्रतीक यार उसमें किया था जीओसी में बेटा, क्यों सबसे 36 हो गया ना मैक्सिमम लोगों से ना। अरे उसमें केवल एसिडिक कैरेक्टर बताना है, मतलब एच निकालोगे और एरोमेटिक रिंग बन जाती है, मतलब ऑब्वियस बात है कि वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तन्मय क्या सर एक बात अब भी बता दो आप भाई, ठीक है इतना प्रेस कर रहे हो तो 36 बता देते हैं फिर। 36 में सबसे पहले एच निकाल दो यहां से, ठीक है, रिंग में से एच गया तो एच प्लस की फॉर्म में जाएगा तो रिंग पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ए ऑप्शंस ए हो गया ये। ऑप्शंस बी की बात करूंगा, ऑप्शंस बी, अब यहाँ पे भी यदि एसिडिक कैरेक्टर आप लगाना चाहो तो आप कहीं कहाँ से निकालोगे। यहाँ से एच निकाल दिया सपोज मैंने, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना दोगे कि सपोज मैंने यहाँ का एच प्लस गया तो ये माइनस आ गया, यहाँ पर ये बी हो गया। सी ऑप्शंस में बॉन्ड यहाँ पर है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, इसमें से एच प्लस जाएगा तो चार्ज नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा। जबकि डी वाले में वैसे क्वेश्चन पता जीओसी का ज्यादा है, एरोमेटिक का कम है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एच प्लस निकाला, तन्मय हो जाएगा बेटा। तन्मय ओके चलो, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 36 के बाद आता है 39। अच्छा 38 भी दिया था क्या मैंने। एक्शन ऑफ द ब्रोमीन बॉटम द सैलिसिलिक एसिड, मतलब OH है साथ में एसिड भी है, ये सेम 35 जैसा है। हाँ तो बता दिया 35 और 38 सेम क्वेश्चन है, ठीक है एक साथ डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। और 39 एक बार मैं भी नोट कर लेता हूँ, है ना, 35 और 38 छूट गया अभी, 35 और 38, ठीक है चलो। अब है 39, 40, 41, अरे दिए थे मैंने यार 43, अरे चलो ठीक है 43 डाउट है नारायण का 43। बेटा 43 सेम कंसेप्ट लगा दो यार, मतलब समझ रहे हो ना 43। चलो मैं बताता हूँ 43, 43 में देखो
CL C डबल बॉन्ड O एंड ये रिंग और ये CL, और यहाँ पे एक काम करता हूँ इसको, मैं C6, सर 44 था सॉरी, चलो चलो कोई नहीं है, 43 कर लो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट लगता है खत्म करने में। AlCl3 बनाएगा, AlCl4 बनाएगा, ठीक है, मतलब पहले फील्ड का एस्लाइजेशन कर दो इसका, तो AlCl4 निकल जाएगा, रिंग जुड़ जाएगी, ठीक है। Cl कौन सा जाएगा और बता दो एक बार, AlCl जाएगा कि AlCl जाएगा, LHS का कि RHS का? LHS का जाएगा, वेरी गुड। हाँ बस, तो फिर तुम लोग कर सकते हो, फिर तो तुम लोगों ने कर ही लिया ये तो क्वेश्चन। लग रहा है तुम लोगों को एरोमेटिक अच्छा समझ में आ चुका है, क्वेश्चन हो गए तुम लोगों से। अब आता है 44। 44 में बेंजीन में पहले, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, और स्टेप बाय ये तो और अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, तो लेंदी भी है। देखो सबसे पहले आपको यदि याद हो तो आपको मैंने वो, अच्छा आदित्य पूछ रहा है लेफ्ट वाला क्यों जाएगा, बेटा लेफ्ट वाला सीएल रिमूव हो सकता है ना, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना लेफ्ट वाले पे आदित्य, राइट पे नहीं हो सकता ना भाई, ये माइनस एम ग्रुप है ना, तो सीएल को रिमूव कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा ना ये तो ग्रुप सभी का, ठीक है। 44 वाले में यदि आपको याद हो तो आपको एक पॉइंट लिखवाया था मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, अल्किन से भी तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना, बताया था ना आपको। चलो तो जिसने पूछा है, 44 आपको ये चीज सिखाई थी ना कि अल्कीन से भी तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है ना, मतलब सिंपल सा क्या है, जो आपके पास सबसे पहले अल्कीन है ठीक है ना, उसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कैसे होगा, H2SO4 क्या करेगा, H प्लस दे देगा ना, H प्लस दे देगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया ये वाला, इलेक्ट्रोफाइल बन गया आपका ये, ठीक है। ये अटैक किस पे करेगा, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, ये अटैक करने को कहाँ पे जाएगा, बेंजीन पे अटैक करने को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, तो ये जाएगा बेंजीन पे अटैक करने को जाएगा ये, ठीक है। और जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक ईएस हो जाएगा ना, जब ईएस हो जाएगा तो कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी ना, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा। इसके बाद उसने बोला एनबीएस कराया, इन्होंने क्या कराया, एनबीएस कराया था, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करता है, एलाइलिक पोजीशन से, हाँ मतलब बेंजाइलिक पोजीशन से, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बीआर आ जाएगा। फिर वो कह रहा अल्कोहलिक केओएच, तो अल्कोहलिक केओएच से क्या होता है आपका, इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन होता है कि नहीं होता है, तो अब क्या होने वाला है, अब ये आपका जो है वो इस तरीके से बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा है पर ऑक्सी एसिड आ गया, याद आया पर ऑक्सी एसिड अल्किन से साइक्लिक ईथर बनाने के काम में आता है, ये बन जाएगा ना। डाउट क्लियर हो गई ना बेटा, उमंग समझ में आया, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। 44 के बाद बेटा 45, अच्छा हाँ लिख लो, ये लिख लो, इसके पहले की स्लाइड देखनी है तुमको एक बार, लो चलो 45।
48 डाउट है सीधा यार। 48 की यदि मैं बात करूं ना, तो 48 तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कभी भी ऐसा मत करना यहाँ पे कि यहाँ पे याद रखो एस एन टू लगा बैठो, है ना। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में ना एस एन टू लगा बैठते हैं, क्योंकि हमें याद है ना हेलाइट के ऊपर ना जब एन ए एसिड अटैक करने को आता था तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, एस एन टू लगा देते थे हर बार। चलो देखते हैं अब। चलो ये क्वेश्चन है क्या, एक सी एल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एम ई हो जाएगा। अटैक करने को आया एन ए एस एच। अब एन ए एस एच की यदि मैं बात करूंगा तो आप सुनना बेटा ध्यान से, ए एन ए प्लस हो जाएगा और एस एच माइनस होगा कि नहीं होगा, अच्छा मुझे बताओ। हाँ इतना समझ में आया। अब क्या बेटा ये न्यूक्लियोफाइल, आपको इसी बताई थी, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस सीएल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्या ये स्ट्रांग है, क्या ये नहीं है ना। और जब नहीं है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या लिख दोगे कि नो रिएक्शन। भाई भाई एम ई से तो कोई मतलब है नहीं इसको, और कंडीशन होता है तो ना, और कंडीशन हर्स, यदि कंडी क्या लिखना चाह रहे हो बेटा, कथन कंडीशन एच ए आर एस एच, फिर से लिखो एक बार क्या कह रहे हो। ये एच मतलब अच्छा हाई टेम्परेचर प्रेशर होता, हाँ बिल्कुल हो जाता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता बेटा, तो सब्स्टिट्यूट करता ना सीएल को, आपको सिखाया था ना एडिशन एलिमिनेशन वाला केस। सुजल बेटा मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो एस एच है ना उसकी कंडीशन स्पेसिफिक नहीं दी हुई है, और यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये सीएल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, बट एडिशन वो हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। हाँ बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर भी तो है, आपको बताया था ना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आपको शुरुआत ही बताया था मैंने कि एरिल हेलाइड आर द लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज या फिर ड्यू टू हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये इनिशियल में समझाया था मैंने अलकली लाइट में भी आपको। अब तो किसी को डाउट नहीं बेटा 48 में, 52, 54, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यार आपने सॉल्यूशन 54 देख लो पहले बेटा, 54 में वो कह रहा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर पहले 54, तो भाई उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइंस होते ना, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मतलब कितना हो जाता। भाई अभी मान के चल रहा हूं कि ये टोटल डिसोसिएट हो गया है, समझो नहीं मेरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे, ठीक है उस हिसाब से भी देख लो तो उस हिसाब से भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ 54, ठीक है। देखो बेन सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पे बेंजीन का कोई रोल है नहीं, हाँ सुनो मेरा, बेंजीन का कोई रोल है नहीं क्योंकि बेंजीन तो आइंस बनाएगा नहीं, ये भी आपको पता है। नाइट्रो बेंजीन से भी कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि नाइट्रो बेंजीन भी तो आयोनाइज नहीं होता ना, ये दो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ मुझे। तो भाई एक्चुअली ना बेंजीन आयोनाइज होता है और ना ही नाइट्रो बेंजीन आयोनाइज होता है, तो आयंस बनेंगे नहीं, तो मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो इसका मतलब वन डिसोसिएट नहीं होता, मतलब आई कितना होता, वन होता ना उसका, कोई मतलब ही नहीं उससे। अब देखते हैं इससे एच एन ओ टू और एच एन थ्री की कराओ रिएक्शन पहले। तो यदि याद हो तो मैंने आपको चीज सिखाई थी कि यदि मैं डाइट बता दूं, चलो अच्छा ऐसे सिखाया था यदि याद हो आपको, एच एन ओ टू को यदि ब्रेक करोगे तो ये माइनस होता था और ये प्लस होता था ना, ठीक है। हाँ इसके बाद बेटा यदि ओ एच माइनस है और एन ओ टू साथ में कौन है, एच टू सो फोर है ना। अब यहाँ पे एच टू सो फोर का क्या काम है आप खुद चेक करोगे, भाई यहाँ पे एच टू सो फोर की यदि मैं बात करूंगा बैलेंस करने के लिए तो मुझे कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए ना एच टू सो फोर, कितना
कितना अच्छे से पूछेगी, 2 मोल चाहिए किन चाहिए मुझे बताओ पहले तो। मतलब यदि नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे भी कह लो कि ये बॉन्ड यहाँ पे हुआ तो जो एच प्लस होगा वो अटैक कहाँ पे करेगा, इसका यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा H2O बन जाएगा, NO2+ बन जाएगा, और साथ में बेटा बन जाएगा क्या तुम्हारा HSO4- बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और H2O भाई, H2O भी तो क्या होता है, H+ गेन करेगा ना H2SO4 से, तो क्या बनाएगा, H3O+ बना देगा और HSO4- बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अच्छा मुझे बताओ। टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे बेटा, 4 होंगे कि नहीं होंगे बताओ। अच्छा मुझे 2 मोल किसके, HSO4 के, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो टोटल कितने, 4 आएंगे कि नहीं आएंगे। 54 बेटा, डाउट वाले 54, समझ में आया। मतलब यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई आपकी, ये 55 डाउट है। 55 में क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि अमाइंस को नाइट्रो में कन्वर्ट करना है। हाँ भाई, ये तो यार क्या ना, 55 वाला जो क्वेश्चन है वो याद करने वाला ज्यादा है, समझने वाला कम है। नाइट्रो अमाइंस ग्रुप को नाइट्रो में कन्वर्ट करने के लिए ये कोई भी रिएजेंट यूज नहीं होता है एक्सेप्ट फर्स्ट वाले के, या तो फिर यहाँ पे हाइड्राजीन आता, NH2. NH2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, तब ये नाइट्रो में कन्वर्ट होता, रिडक्शन हो जाता। मतलब BCD ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, डायरेक्ट ए, ये भी बात कर सकते हो यार उमंग। बी सी डी वैसे तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो आंसर वैसे ही इसका ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अरे बेटा H2SO4 थोड़ी बेटा कभी ऑक्सीडेशन करता है, ये तो एलिमिनेशन का शो करता है ना, कथन। इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा, ये डाइट आपका ऑक्सीडेशन है, इसमें इंटरमीडिएट की बात ही नहीं होती है। वैसे फर्स्ट किया है वो ऑक्सीजन एजेंट से, हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जनरली क्या है बेटा अद्विता, कि हमेशा डाइट फाइनल आंसर ही देखा जाता है, मैकेनिक्स का मतलब उसमें कोई रोल नहीं होता है। चलो ठीक है, 56 56 57 यार, 57 क्वेश्चन जो है ना वो जीओसी में किया होगा आई थिंक। कैसे 57 क्वेश्चन जो होगा ना वो आपने जीओसी में किया होगा इस तरीके क्वेश्चन। एक एक था ना मॉड्यूल, उसमें एमएससी में तो क्वेश्चन था, व्हेन कंपेयर द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, बता रहा हूँ मैं तो, डागा परेशान बिल्कुल मत हो बेटा। कंपेयरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजीन विद द डेट ऑफ द हाइपोथेटिकल 135 ट्राई साइक्लोहेक्सीन, हाइपोथेटिकल 135 ट्राइन देन बेंजीन, इतना हो गया ठीक। कंपेयर करें तो बेंजीन जो है, अच्छा मुझे बताओ एक हाई, सुनो दोनों सेम नहीं है पहली बात तो, नहीं उमंग बात क्या है, उन्होंने कहा है कि साइक्लो हेक्स ट्राइन और बेंजीन दोनों अलग अलग है, उनका स्टेटमेंट ही पढ़ो ये बात ध्यान से। उनने कहा है साइक्लो हेक्स 135 ट्राइन जो है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। आप मुझे बताओ हाइपोथेटिकल और रियल स्ट्रक्चर में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, नहीं यही तो बात है ना। उन्होंने स्टेटमेंट दो पढ़ो ध्यान से, कंपेयर द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन विद डेट ऑफ द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लो हेक्स ट्राइन, तो ऑब्वियस बात है ना कि एक हाइपोथेटिकल है और एक रियल स्ट्रक्चर है, तो एनर्जी समझ में आ गई ना बेटा। मतलब सिंपल सा बेंजीन आप ऐसे कह सकते हो
बेंजीन गिव द ऑफ द इतनी मोर हीट, ज्यादा एनर्जी देगी ना। हाँ अच्छा भाई 56-7 पूछने वाले जितने बच्चे थे, सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। उमंग को तो आ गया है। वेदांत कह रहे सर दोनों सेम क्यों नहीं है। बेटा यदि दोनों सेम होते तो क्या वो हाइपोथेटिकल लिखते क्या वहां पे, वो लिख के देते ना सेम स्ट्रक्चर है, वो लिख के दे रहे ना हाइपोथेटिकल। आता जैसे बताओ ना मुझे कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते थे वो कैसे बनते थे, हाइपोथेटिकल होते थे कि सेम होते थे। आप वहां पे सेम स्ट्रक्चर लेके क्यों नहीं चलते थे फिर, वहां पे क्यों कहा कि रेजोनेंस का हाइपोथेटिकल। वेदांत कह रहा है रियल, कौन रेजोनेंस हाइब्रिड होता है रियल स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके हाइपोथेटिकल ही होते हैं। वेदांत कहाँ खोया हुआ है भाई। आप समझ में आ गए ना वेदांत। ओके अब आ जाओ 58 पर। 58 तो देखते ही हो गया होगा, 59 देखते हो गया होगा, 60 भी। अरे यार 60 में क्या दिक्कत आ गई। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और कॉनिकल एक ही होते हैं। हाँ नमन दोनों एक ही होते बेटा। 60 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन इज ऑर्थो पैरा इन इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन एंड ऑर्थो पैरा इन न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन, किस कंपाउंड के अंदर होगा। ठीक है तो मतलब ऐसा मान लो आप कि ये जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्लस एम माइनस एम पे डिपेंड करती है ना। किसका बता दूं सर, आपने यूट्यूब पर जीओसी के लेक्चर डाले हैं क्या। नहीं सोचा अभी जीओसी के लेक्चर डाले नहीं है, डालूंगा तब मैं बता दूंगा। प्रतीक कह रहे सर एनओ का बता दो केवल, एनओ का बता दूं केवल। हाँ तो ठीक है इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेते एक बार। तो जिसका भी तुम्हें जैसे क्वेश्चन नंबर जो 60 है ना, क्वेश्चन नंबर 60 को यदि एक्सप्लेन करना है तो एक काम करो चारों स्ट्रक्चर के, अच्छा एनओ ही आंसर है चलो ठीक है, चारों ही आंसर के सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के चेक कर लो, जो स्टेबल हो जाएगा आंसर लगा देना। ठीक है मतलब एक ऑप्शन देखो, जैसे इसने एनओ का पूछा मुझसे तो मैं एनओ का बना के दिखाता हूँ। जैसे वो कह रहा है कि ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा दोनों में, तो एक काम करो ना एनओ ग्रुप लगाओ पहले यहाँ पे ठीक है, और मुझे बताओ ये रिंग थी तो यदि इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो यहाँ जोड़ना चाहिए और प्लस चार्ज यहाँ आना चाहिए एक चीज, और न्यूक्लियोफिलिक की यदि बात करूंगा तो न्यूक्लियोफाइल भी ऑर्थो पैरा पे जुड़ना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर उसका ऐसे बनना चाहिए ना। बताओ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा न्यूक्लियोफिलिक है ना, तो ये प्लस पे जाकर ये नेगेटिव आएगा। तो ये प्रतीक ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे बताओ। यदि इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो नेगेटिव पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो प्लस पे जुड़ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा। आप मुझे बताओ एनओ ग्रुप जो है ना प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह काम करता है कि नहीं करता है पहले ये बताओ। करेगा मतलब ऑब्वियस बात है, ये लोन पेयर है जो यहाँ दे देगा तो इसको स्टेबल करेगा, और यहाँ से ये चार्ज ले लेगा तो इसको स्टेबल करेगा। मतलब ऐसे ग्रुप, सुनना ध्यान सुनो स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया आपके लिए तो हमेशा के लिए, क्या ग्रुप विच हैव माइनस एम एंड प्लस एम कैरेक्टर, जिसके पास दोनों बिहेवियर हैं ठीक है, इन विच ईएस और एसएनएआर ऑर्थो एंड पैरा पे ही होगा। समझ में आया ना। प्रीति कथा अनुमंग आदित्य बेटा सबको समझ में आया। एनओ के ला ये तो जीओसी में देख लो यार उमंग।
चलो क्वेश्चन नंबर 60 हो गया अपना, है ना। अब आ जाओ 60 से आगे, 61, जरूरत नहीं पूछने की। अच्छा लास्ट स्लाइड दिखा दूं पहले बेटा, प्रतीक 61 ना, आप जाके देखो किसमें, आयुष्मर चैप्टर में मैंने स्ट्रक्चर बनवाया है कॉपी में, ठीक है, आप बना के देख लो, डाउट आती पूछ लेना मुझसे। अभी 2 मिनट वाला लाइट, लास्ट स्लाइड वाला ये सुजल लिख ले पहले इसको, फिर मैं बताता हूँ मैं आगे। हो गया सुजल? वो नोट एक्सप्लेन कर दो बेटा। मैं ये कह रहा था ऐसे ग्रुप जो कि प्लस एम और माइनस एम शो करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों ही ऑर्थो पैरा पे होंगे। प्रतीक पूछ रहा है कि सर इतना अच्छा सुनो, जैसे क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है डाई नाइट डाई क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर है देखो, ये वाला, तो यदि याद करो तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनवाया था आपको, C6H3A2B का स्ट्रक्चर बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे आइसोमर में? हाँ स्टार वालों को नहीं आइसोमर में, लेकिन B1 B2 वालों को पता है, मैंने कॉपी में स्ट्रक्चर बनवाए थे इनको C6H3A2B के, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं अच्छी बात है, हो गया बढ़िया है, बता रहो अब हो जाएगा, ठीक है। चलो 61 के बाद आ जा जाओ 62, जरूरत ही नहीं है बताने की। अब आ जाओ 64, कोई नीड नहीं है 64 बताने की। 65, हाँ उमंग डाउट है। चलो 65 में क्या कह रहा है भाई, 65 65 कह रहा है, अच्छा टाइटियम है, ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेगा। द नाइट्रोजन और बेंजीन बाई द मिक्स एसिड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, हाँ तो 65 जो है बराबर आना चाहिए, मिक्स एसिड इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाई मिक्स विद एसिड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, बराबर ही होना चाहिए ऑलमोस्ट, ये मुझे बताया, नो इफेक्ट सच। हाँ इनमें, हाँ इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता 60। 2 मिनट सुजल कह रहा सर प्लस आई तो टी डी, अरे गधे अबे यहाँ पे प्लस आई कैसे देख रहा है, आरडीएस में HDT का रिमूवल नहीं आता है। हाँ ठीक है ना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आरडीएस है इसलिए ना, काइनेटिक आइसोटोप्स नहीं होगा, नहीं होगा तो आंसर ए समझ में आ गया ना सबको, सब लोगों ने इतने आंसर भेज दिए, पता नहीं चला आंसर भेजा कि डाउट पूछ रहे हो। आदित्य प्रतीक वेदांत, ये समझ में आ गया ना बेटा, सिक्स और ये उमंग 65 क्लियर हुआ बेटा, वापिस सर एक बार, मैं ये कह रहा था यहाँ पे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, यहाँ पे वो हो रहा ना आपका नाइट्रेशन करना है, इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन होना है एक बार, तो एच को हटाओ चाहे डी को हटाओ चाहे टी को हटाओ, बात तो बराबर है ना, वो सेल्फ थोड़ी हट रहा है, खुद के जाने की टेंडेंसी होती तो मानता मैं कि हाँ उनकी रेट में डिफरेंस आता, और इसका आरडीएस तो तुम्हें पता है ना इसका आरडीएस, हाँ नहीं सी बॉन्ड डी मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑफ सी एच बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन बेटा आरडीएस वाले स्टेप, इसका आरडीएस चेक करो ना, आरडीएस तो तीनों के इक्वल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मुझे हाँ आदित्य ए आज डाउट ही होंगे। ओके 67 कोई डाउट नहीं, 68 में कोई डाउट नहीं, 66 दिया था क्या मैंने,
अच्छा दिया था, ओके 66 को भी टिक कर लूँ, मैं टिक नहीं कह रहा, 66 दिया मैंने, चलो मैं देख लेता हूँ, 66 को दे चुका हूँ मैं, अभी हाल 2 मिनट रुक जाओ। 66 क्या है क्वेश्चन, अमाइंस के ऊपर H2SO5। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे, मुझे H2SO5 का नाम क्या होता है? हाँ कोरोस एसिड, वेरी गुड वेदांत, 66 एनिलीन पे सबसे पहले तो, अच्छा फर्स्ट स्टेप बताता हूँ, ये एनिलीन हो गया, एलीन पे रिएक्शन करने को सबसे पहले कौन आ रहा है, H2SO5 आ रहा है, H2SO5। कोरोस एसिड ठीक है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले कोरोस एसिड का काम क्या है, कोरो एसिड क्या करेगा तुम्हारा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो करेगा ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, हाँ एसिड है, रुक जाओ इसको देखता हूँ, H2SO5 है मतलब ये हो जाएगा HO of SO, O and O and OH, 5, 2 and something ठीक है। यदि रिएक्शन अमाइन से कराया जाता है, ये बेस है और ये बेस है और ये है एसिड, तो यहाँ पे सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, मतलब यहाँ से एच प्लस जाएगा यहाँ जुड़ेगा, तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बॉन्ड बनाएगा, तो हाँ सुनो ध्यान से, यहाँ सबसे पहले एसिडिक एच की बात होगी, हाँ सुनो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन देखो लॉजिक समझा देता हूँ मैं, ये प्लस है, ये लोन पेयर है, एच गया इसके पास जुड़ गया, मतलब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो इस तरीके का बनना चाहिए कि ये एन हो गया, ये एच, ये एच और ये एच, ये प्लस चार्ज, ऑब्वियस बात है प्लस जाएगा तो यहाँ पे चार्ज निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव बॉन्ड यहाँ बनाएगा ना पूरा ठीक है, और इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन यदि होगा तो आपका ये बन जाएगा नाइट्रोसो, ठीक है, और नाइट्रोसो यदि बन गया तो ये जो है, अच्छा दूसरा केस कौन सा है तुम्हारा, इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा है तुम्हारा, कि ए बन गया, ये हो गया ये, अब क्या है C6H5, 2 मिनट हो जाओ, अभी जो है इन आपस में रिएक्शन करानी है मुझे, किसकी, PH2CH2CN की और किसकी, इथॉक्साइड आयन की, रीजन क्या है क्यों करवानी है इसका, रीजन सुन लो ध्यान से भाई, अटैक तो वहीं करेगा ना, ना न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये जो है इथॉक्स, चलो मैं यहाँ यहीं पे नीचे करके दिखाता हूँ, यहाँ इस रिएक्शन इसको ए लिख दिया तो समझ में आ गया ना, ये फिर देखो पीएच सिंगल बॉन्ड CH2CN और इथॉक्साइड एंड, ये क्या करेगा, इथॉक्साइड एंड का काम क्या है, रिमूवल एसिडिक एच, एसिडिक एच कहाँ मिलेगा बेटा, अल्फा पोजीशन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ आदित्य डाउट ही होंगे बेटा, एसिडिक एच यहां से जाएगा तो मतलब क्या बनेगा, CH ऑफ CH निगेटिव, सिंगल बॉन्ड ऑफ CN बनेगा और प्लस क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा, और ये निगेटिव जो होगा वो अटैक कहाँ पे करेगा, वो अटैक यहाँ पे करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इसको लिख दो PH, इसको लिखो N और ये हो जाएगा O निगेटिव, इससे कौन जुड़ गया, CH जुड़ गया, CN जुड़ गया और ये PH जुड़ गया ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्कोहल निकला था ठीक है,
तो अब साथ में क्या किया गया ना, हीट भी किया है यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है हीट यदि किया हुआ है तो सिंपल सा आप ऐसे बोलो कि ये एल्कोहल से फिर अटैक करने को जाएगा, क्योंकि एल्कोहल है नेगेटिव एसिटिक एच ले लेगा, तो PHN ऑफ OH सिंगल बॉन्ड CH ऑफ CN ऑफ PH बना देगा, और जिसको आप हीट करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाए H2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आंसर, PS सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड PH, और यहाँ से H2 रिलीज होएगा। ये समझ में आया क्या? अद्वितीय बेटा H2SO4 की जगह H2SO4 होता तब। हाँ बेटा H2SO5 लिखा हो चाहे H2SO4 लिखा हो, दोनों जगह सिमिलर होता भाई, एसिड का काम ही वही है ना। बिना दे ऑक्सीडेशन में डायरेक्ट बिना स्टेप के बना देंगे क्या? हाँ बनाना चाहो तो बना सकते हो डायरेक्ट में। और सेकंड स्टेप बेटा रिपीट ऐसा करूंगा मैं कि जो इथॉक्साइड आयन अटैक कर रहा है वो एसिटिक एच लेके जाएगा, एसिटिक एच साइनाइड ग्रुप में कहाँ पे होता, अल्फा पोजीशन पे होता है, अल्फा पोजीशन से एच लेके जाएगा, चार्ज निगेटिव आएगा, निगेटिव एनओ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा तो ये बनेगा, फिर एल्कोहल से अटैक करेगा तो एसिटिक एच जाएगा, फिर यहाँ हीट करोगे तो H2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? सुजल, वेदांत, नारायण, सिक्सटी सिक्स के बाद 67 NH2 से NO के स्टेप नहीं है ना, NH2 से NO का नहीं स्टेप है, नहीं है वैसे, मैंने बता तो दिया, तो मैं देखो ये बताया ना ऑक्सीजन करके, ये O जाएगा निगेटिव बनाएगा, फिर H+ बाहर निकलेगा, फिर बॉन्ड टूटेगा, इस तरीके से है ये, वैसे कोई प्रॉपर स्टेप नहीं है इसका वेदांत। चलो 66 के बाद 67, 68 डाउट है यार, 68 क्यों डाउट है भाई, भाई 68 क्यों डाउट है बताओ मुझे भाई। नाइट्रेशन और विच रिएक्टेंट गिव द मैक्सिमम ऑफ मेटा परसेंटेज, यार इसको आंखें बंद करके ना आंसर भी लगा दो उसका सही हो जाएगा, क्योंकि एसिड अटैक करने को आ रहा है और एयर और NH2 ग्रुप कौन सा बेस है ना, तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना तुम्हारी, तो वहां पे अमोनियम आयन बन जाएगा, और अमोनियम के स्पेक्ट में तो मेटा ही ज्यादा बनता है ना प्रतीक, और हाँ प्रतीक प्रतीक। चलो भाई नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया ना 68 बेटा, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है वहां पे। चलो ठीक है 68 हो जाएगा, और इसके बाद 72 था ना सारे डायरेक्ट ना, 72 72 74 तन्मय बेटा अभी बताया ना 68 मैंने यार, लो मैं लिख देता हूँ 68 के बारे में, तो 68 में ये है कि एनिलीन जो होता है आप सोचो ध्यान से, अच्छा, नेट चला गया था तुम्हारा, देखो ये NH2 है और यहाँ पे आप अटैक करा रहे हो किसका, HNO3 का और H2SO4 का, तो बेटा यहाँ पे ES तो बाद में होगा, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना इनके बीच में, ये हो जाएगा, अब कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे ज्यादा बनेगा ना इसके, इस अमोनियम आयन के स्पेक्ट में कहाँ बनता है, मेटा पे, क्योंकि इसका तो माइनस आई इफेक्ट होता है। तन्मय नाउ गिव मेटा सब्स्टिट्यूटेड, चलो
चलो ठीक है, 72 72 74 72 74 के बाद 83 86 87। यार 87 पूछ रहे हो यार, यार 87 प्रतीक क्यों पूछ रहे हो? 87 में आप चेक करो ना, जिसमें जीओसी का क्वेश्चन है, जब जिसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएंगी वो रियल स्ट्रक्चर शो करने लग जाएगा। मतलब 4n+2 π8 चेक करो तो ये डी आंसर आ जाएगा यार। एक कथन ए कैसे आएगा? आप देखो ना, ए में तो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, डी में तो डायट बना हुआ है ना, तो रियल कौन सा होगा? डी होगा ना। सर क्वेश्चन नंबर 76 दिया है और फिगर 87 का है, क्या कह रहे हो? 5 6 7 8। अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो छोड़ दो। अच्छा C8 चेक कर लो यार, स्ट्रक्चर C8 का है तो C8 ही चेक करोगे ना, आप फॉर्मूला थोड़ी पढ़ोगे C7 है कि C8 है। C8 के स्ट्रक्चर बने ना सभी, तुम तो C8 चेक कर लो। और देखो ऑप्शन नंबर ए और डी में जिसको डाउट हो रहा हो वो ऐसे समझ लें कि 87 में तो आपको पॉसिबिलिटी सोचना है कि नेगेटिव कहाँ होगा प्लस कहाँ पे होगा, मतलब इसके रेजोसाइबिट बनेंगे बहुत सारे जो कि हाइपोथेटिकल होंगे। हाँ जबकि इस वाली स्ट्रक्चर में तो क्लियर डिफाइन करके दे दिया ना उन्होंने कि यहाँ पे भाई नेगेटिव है और नीचे वाली रिंग में पॉजिटिव है, दिया कि नहीं दिया मैंने? तो रियल की साइड ज्यादा कौन होगा, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा? डी होगा ना। हाँ चार्ज ऑलरेडी सेपरेट है, जैसे डी रियल की साइड ज्यादा मूव कर जाएगा एज कंपेयर टू ए के। 88 89। अरे हाँ अरे वो टोटल चार्ज रोटेट कर रहे हैं ना, इस वजह से डबल बॉन्ड बना दिया, वेदांत है ना उन्होंने, ये नेगेटिव पूरा लगा दिया, यदि डॉटेड करके बनाते तो सिंगल बनाते हैं यहाँ पे। 88 में डाउट नहीं है, 89 में डाउट नहीं है, अब है सीधा 95। अच्छा जो तुम पूछ रहे थे मुझसे है ना 95 वाला, चलो मैं अब ये मैं करके दिखा। हाँ सेकंड पार्ट ही बता देता हूँ मैं इसका, डायरेक्ट सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। तो पहले मैं पहला पार्ट बना लूँ है ना, पहले पार्ट में डाईऑल बनाना हमें, पहले पार्ट में डाई ऑल बनाना है जहां पर डबल बॉन्ड आया है और दोनों एक ही प्लेन में बनेंगे, और फिर यहां पे लिया उन्होंने HIO4। अच्छा HIO4 साथ में लिखा है NaOH और बेचारे को हीट भी कर दिया उन्होंने। देखो अब हीट को करोगे बाद में, देखो HIO4 का समझो पहले तो, ठीक है इसको तो साइड में रखो, मतलब इस स्टेप को ना बताता हूँ किस स्टेप को साइड में रखना है, इस स्टेप को रखो साइड में पहले, पहले तो यू समझो किसका इसका। अब लाचा बेटा कहिए सर सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, चलो बताता हूँ बेटा मैं भी है ना, ये 95 के बी पार्ट में HIO4 का यू समझो पहले तो, इसका काम क्या होता है, जो डाई ऑल बनते हैं ना इसको ऐसे समझो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे देता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे देता है, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा HIO4 के बाद। ये सॉरी ठीक है, और एक चीज सुनो, ये जो यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो
तो बनेगा अल्डिहाइड, ये तोड़ोगे बनेगा कीटोन, तो ये बन जाएगा आपका अल्डिहाइड और ये बनेगा कीटोन। भाई HIO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और ये बनाता है अल्डिहाइड, ये बनाता है कीटोन। और इसकी बेटा आगे आपने भी पढ़ा नहीं है क्योंकि इसके आगे हो रहा है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है एल्डोल और प्रेजेंस होती किसकी, NaOH और हीट की प्रेजेंस में होता है। तो आप लोग बेटा अभी हाल फिलहाल यहीं तक सीख लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगा एल्डोल तब सिखाऊंगा फिर मैं। ठीक है, छोड़ सकते हो आप 95 को फिर, लेकिन इतना लिख लेना बेटा HIO4 से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ 95 के बाद, 99। वैसे 90 बेटा ये चैप्टर में होगा, अल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं एल्डोल। अच्छा 98 क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप लोग? 98 वैसे दिया था क्या? शायद ना दिया हो मैंने, 98 नहीं दिया था ना। अभी देखो, अच्छा अभी देख के बताओ 98 कर सकते हो क्या? ट्राई करो, अच्छा अभी जस्ट ट्राई करो, अच्छा 98 को। भाई लो आंसर भी आ गया, वेरी गुड। कथन का भी आंसर आ गया, अद्विता का भी, उमंग, वेरी गुड बेटा, आंसर डी होगा, वेरी गुड। अरे नमन का भी है, नमन का नाम नहीं लिया मैंने, सॉरी नमन, नमन का भी आंसर डी आया, वेदांत का भी डी आया। ठीक है हो जाए, मतलब 98 हो गया है, ठीक है कंप्लीट मानता हूं मैं। 99 हाँ सोजल, एक ही काम है इन सबका जो तुम भेजे हो मुझे। 99 कथन का डाउट है, अच्छा डन हो गया 99, ओके वेरी गुड, कथन का 99 कंप्लीट हो गया, सभी का 99 नेट आउट नहीं है ना। इसके बाद आ जाओ 105। नहीं डाउट है 105 में, 132। अरे वाह 132 हो गया, 134। वन थर्टी टू ईजी है, नहीं है 134। 134 नहीं दिया था क्या आपको? दिया था कथन, दिया था, हो गया वेरी गुड, हो गया बस, चलो 134 हो गया। अच्छा अब आप ही लोग डाउट बताओ, कितने डाउट और रह गए आप लोगों के, है ना। मैं लिखता चला जाता हूँ मैं स्क्रीन पे, 142, 135, 148, 191, बस 163। वन फोर्टी नाइन, 166, 182, 165, 176, 193, बस अब डाउट नहीं है इसके अलावा।
188 है, 188 देख लो। स्किन के अलावा यदि कोई डाउट हो स्किन पे जो लिखे हैं क्वेश्चन। चलो अब बस यहीं रुक जाना है सब लोग, है ना। 142 पहले। फील कॉप्टर पर्ट कैसे बनेगा? तो भाई सिंपल सा है, अटैक AlCl3 वहां पे करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो 142 देखो पहले, तो 142 में कुछ इस तरीके से है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन है और ये एसिड ग्रुप हो गया, ये हो गया। अटैक करने को कौन आ रहा? AL, लास्ट टाइम भी यदि याद हो तो AlCl3 ने कहाँ पर अटैक किया था? डबल बॉन्डेड का कारण ऑक्सीजन पे किया था या नहीं किया था यहाँ पर अटैक? तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा डबल बॉन्ड C, ये C, और ये बनेगा तुम्हारा डबल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज, साथ में AlCl3, और ये रहेगा आपका OH। तो ये बॉन्ड यदि यहाँ ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक जाएगा, कॉन्जुगेशन में है यहाँ पे नेगेटिव, और ये कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे आया प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन ही है, और ये कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हो गया, ये ओ न्यूट्रल हो गया, साथ में AlCl3 अटैच रहेगा नेगेटिव के साथ, सिंगल बॉन्ड OH रहेगा। ठीक है, तो अब तो आसानी हो गया क्वेश्चन, इतना कर लिया तो क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि अब तो पता है ना बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो करके दिखा देता हूँ मैं, ये आपकी बेंजीन हो गई और ये अटैक करा दो, आप यहाँ पे जोड़ दो इसको सीधा सीधा, ठीक है ना। मैं पूरा तो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कैसे। एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन है और डबल बॉन्ड ओ है, और बाद में बेटा अपने आप ही किसमें बदल जाएगा, ये AlCl3 बाहर जाएगा ना, तो ये डबल बॉन्ड ओ फिर से बन जाता है, क्योंकि जो कैटलिस्ट आपने कंज्यूम किया है आफ्टर द रिएक्शन वो बाहर निकालना पड़ेगा आपको, तो आप AlCl3 को बाद में रिलीज कर दोगे तो डबल बॉन्ड फिर से बन जाता है आपका ये, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये चार्ज यहाँ पे फिर से ब्रेक हो जाता है। चलो मैं स्टेप बाय करके दिखाई देता हूँ, एक बार एटलीस्ट देख तो लो आपको कैसे करना है। ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई अपनी, और ये साथ में OS था, ठीक है। अब एक चीज समझो ना, यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक्स एच प्लस निकला, यहाँ से एच तो बाहर निकला है ना, बाहर निकला है तो सबको पता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है तो एच प्लस बाहर निकलेगा। तो आप देखो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो एच प्लस कहाँ जाके जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा ना जाके, और AlCl3 बाहर निकल जाएगा फिर से। तो ये यहाँ पे ये डबल कार्बन, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। बताओ बेटा सबको समझ में आया ना? 142 पहले तो जिसको जिसको डाउट थी। कहाँ गया 142 वाला? समझ में आया 142 कि नहीं? अदिति बेटा समझ में आ गया, वेरी गुड। 142 डिस्कस हो चुका है, अब है 135। वन थर्टी फाइव बेटा, 135 मैंने करने को दिया था क्या आपको? नहीं दिया था तो फिर से पूछ कैसे लिया मुझसे 135? तो फिर भाई वेट कर लो 135 वाले, 135 तो दिया ही नहीं था करने के लिए। चलो भाई 135 को अभी हाल फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस मान के चलते हैं, ये होमवर्क में नहीं दिया था मैंने।
148। हाँ वही 148 में HNO2 प्रेजेंस ऑफ द HNO3। तो भाई 148 वाले में क्या दिक्कत है H? अच्छा सुनो, हाँ समझ में आ रहा है मुझे क्या दिक्कत है 148 में जो पूछ रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल समझ में नहीं आ रहा है, HNO2 और HNO3 इन दोनों में अच्छा एसिड कौन सा होगा पहले ये बता दो मुझे। HNO2 और HNO3 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HNO3 है ना। तो बस जिसको ये समझ में आ जाता है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल यहां से बनने वाला है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल यहां से बनने वाला है। कैसे? यदि आपको याद हो तो नाइट्रेशन में मैंने बॉन्ड तोड़ना सिखाया था कैसे, HO और NO2 का, याद है? ये निगेटिव बताया था, ये प्लस बताया था मैंने। तो HNO2 में कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा इसमें तो N और O बॉन्ड टूटेगा, ये निगेटिव और ये प्लस, बताया था ना ये तोड़ना मैंने। बच्चों उमंग, और यदि इसको डाइट दी आप चाहते हो कि सर नहीं आप तो मैकेन से बता दो तो सीधा समझ लो कि ये तो टूटा ऐसे, और HNO3 ने क्या किया H प्लस दे दिया इसको तो बन जाएगा H2O, ठीक है, और NO प्लस करेगा इलेक्ट्रोफाइल काम और ये रह जाएगा NO3 माइनस रह जाएगा। याद है अभी H2SO4 और NO3 का एक मैकेनिज्म लिखाया था मैंने, इस तरीके से लिखवाया था ना, यहाँ से क्या बन जाएगा H3O प्लस बन जाएगा, यहाँ NO और यहाँ पे 2 मोल ऑफ HNO3 बन जाएगा। एक क्वेश्चन आया था H2SO4 वाला भी मैंने, जहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया था 4, यहाँ भी वांट ऑफ फैक्टर 4 आएगा आपका। हाँ याद आया बेटा? नहीं समझ में आया? और ये समझ में आ गया तो आंसर भी आ गया होगा फिर, 148 हो जाएगा अब 1। उमंग बाहर का कर दूं ना सर इसके आगे? अच्छा इसके आगे कर दूं तो बेटा एनओ है, फिनोल पे जोड़ दो ना पेरा। अरे अरे देख के आंसर बता दोगे, आंसर ए आ जाएगा यार, आंसर सी दिया है 148 का। नहीं, इसमें नहीं तो फिर एक तो काम करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसका और ऑक्सीजन करा दिया गया इन्होंने, इन्होंने क्या किया HNO3 की एक्सेस कर दी इन्होंने। हाँ पर मेंशन नहीं कर रखा कहीं पे, वैसे तो इसका आंसर ए डायरेक्ट आ जाता है। इन्होंने HNO3 से फिर से ऑक्सीडेशन करा गया होगा तो NO क्या है वो बदल जाता है किसमें, NO3 में। अच्छा वही, अच्छा, ठीक है बेटा। लेकिन यार मेजर पूछा है इन्होंने तो सी चला जाएगा फिर तो, क्योंकि एनओ क्या होता है, नाइट्रस एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है ना, तो ये तो ऑक्सीडेशन होने के लिए तो कोशिश करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन होने के बाद एनओ थ्री बदल देगा अपने आप को। तो नमन भगत ऑर्थो अटैक नहीं होगा बेटा। नहीं यार एच बॉन्डिंग की जो तुम बोल रहे हो ना मुझसे कि एच बॉन्डिंग का केस हो जाएगा इसमें, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो, तो बेटा 2 मिनट हो जाओ। नहीं तो पैरा पोजीशन पे तो ज्यादा होता ना, एच बॉन्डिंग तो बाद में बनेगा ना, पहले तो प्रोडक्ट बन जाएंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट पे चेक करोगे, और एक तो स्टेरिक हिंडेंस हो जाएगा। सही बात है अद्विता बेटा, सही बोल रही है। अरे ऑर्थो पे तो स्टेरिक हिंडेंस भी तो हो जाएगा साथ में, जनरली पैरा पे ज्यादा होता है। हाँ उमंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तब आप ऐसे बोलोगे कि ऑर्थो वाला ज्यादा कम होता, पैरा का ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होता है और ऑर्थो पे स्टेरिक इफेक्ट भी लग रहा है। उमंग स्टेरिक ग्रेटर, हाँ बिल्कुल स्टेरिक ज्यादा होगा एच बॉन्डिंग से, तो
चलो ठीक है, 148 के बाद, अच्छा ये डाउट क्लियर हो गया, 148 भी हो गया, वन अब आता है 149। अरे बॉइलिंग पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना, इंट्रा मॉलिकुलर इंटर मॉलिकुलर, ऑर्थो में इंट्रा मॉलिकुलर होती है जबकि और पैरा वाले पे इंटर मॉलिकुलर होती है, तो इंटर मॉलिकुलर की एच बॉन्डिंग इंट्रा से ज़्यादा होती है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। अब आ जाओ 149 पर भाई, जिसने भी डाउट पूछा है ना 149, उसने या तो लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है। किसने पूछा से 149 बेटा? वन फोर्टी नाइन किसने डाउट पूछा है? पता ही नहीं किसने पूछा। अच्छा वेदांत ने पूछा है। अच्छा वेदांत, तुमको यदि याद हो तो मैंने कहा था वो पूछा SNAR, SNAR ज्यादा कब होगा, तो याद है मैंने बताया था ये लास्ट ना, यही एग्जांपल दिया था क्लास में मैंने, ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन का दिया था कि नहीं दिया था क्लास में एग्जांपल, फिफ्थ मोर रिएक्टिव है, फिफ्थ के बाद तुम्हारा थर्ड मोर रिएक्टिव हो जाएगा, थर्ड के बाद पैरा पे कहाँ पे फर्स्ट पे, हाँ फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंड और फिर फोर्थ आ जाएगा आंसर। भाई वेदांत ये तो याद आ गया ना, कंसेप्ट तो क्लियर आ गया ना, माँ जितने ज्यादा माइनस एम ग्रुप, जितने ज्यादा माइनस एम उतना ज्यादा SNAR, ऐसे याद कर लो। तो 149 क्लियर, अब आता है 166, 163। वन सिक्सटी थ्री मैं नहीं बताऊंगा, 163 जिसने भी पूछा है मतलब या तो उसने ध्यान ही नहीं दिया है या फिर जबरदस्ती पूछ लिया उसने। हाँ डांसिंग रेजोनेंस आंसर यार, देख के बता देते डी आंसर है इसमें। तो 163 के बाद आता है 166। अच्छा मुझे बताओ 166 किसको डाउट है? आदित्य गोड़ने को डाउट है क्या? लो प्रतीक है, 166 कैसे आ गया बेटा? 163 में यार डांस एजेंसी दिखा तुमको यार प्रतीक, पढ़ा होगा यार, ट्राई साइक्लो प्रोपाइल कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, मतलब मोस्ट मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द डांसिंग रेजोनेंस। प्रतीक DND ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मतलब हाँ तीन है तो रिपल, वाह 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 क्या बात है, कह रहा तीन है तो सर रिपल्सन हो जाएगा, कैसी बातें लिख रहा है यार, मतलब जबरदस्ती के डाउट बना रहा तू तो अपने मन से। ऐसे मतलब कहीं भी रिपल्सन लगा देगा क्या? यार थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सोचो यार, 165 देखो पहले। अरे गधे कौन पूछा, वन सुजल पूछा है, वो पूछा है फील्ड कार्ट एसलाइजेशन रिएक्शन कैन बी यूज टू ऑप्टेन द कंपाउंड, मतलब आपका फील्ड कार्ट एसलाइजेशन रिएक्शन कैन बी यूज टू ऑप्टेन द कंपाउंड, मतलब सिंपल सा है एसलाइजेशन प्रोडक्ट चाहिए मुझे तो किस में बन जाएगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, अच्छा फिर है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ,
फिर है फर्स्ट और सेकंड, और फिर है सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। अरे तुम लोगों ने क्या क्या लिख दिया, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मैं तो क्वेश्चन ही पढ़ता रहा। रुक जाओ, क्या लिख रहे हो तुम लोग सर? एक्चुअल आंसर शुड बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ना बट, ऑप्शन से तो सी ही होगा। ठीक है, NO2 और NR2 डज नॉट शो द फील्ड कार्ट, सो सी आंसर है। वेरी गुड। सी एंड डी में तो माइनस एम है ही तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप लोगों के आंसर सही है, सभी के आंसर मिक्स कर दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाता है। कैसे? जो आपका NO2 ग्रुप होता है और NR2 ग्रुप होता है, ठीक है, पहली बात तो ये मेटा होते हैं, पहली बात तो क्या हो जाते हैं मेटा, तो ये तो पहली बात तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, और यदि रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट और सेकंड आंसर आ गया। मैं फोर्थ कर सकते हो ना बेटा, NR2+ में नहीं कर सकते बेटा, फीडर कार्ट नहीं देगा। NR2 में तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना, AlCl3 जो होगा वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाके अटैच हो जाएगा ना, कथन। हाँ सुजल, माइनस एम इसलिए नहीं हो रहा है। अब तो सबको समझ में आ गया बेटा, 165। तो सुजल का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले तो ये बताओ, सुजल का डाउट था क्योंकि ये 166। अभी सुजल 2 मिनट हो जाओ, आने दो नंबर, आने दो उसका भी। 166 में किसको डाउट थी? वन सिक्स प्रतीक कोई डाउट थी। अरे चलो ठीक है, 166 में। अच्छा यहाँ पे आपको हेलोजनेशन करना है, और यदि हेलोजनेशन की बात करूँगा मैं तो वैसे तो लॉजिक से मतलब नॉर्मली आप ध्यान दोगे तो आपको आंसर ए भी दिख रहा होगा, किसी को बी दिख रहा होगा, किसी को सी दिख रहा होगा, सबको किसी को चारों दिख रहे होंगे। वेदांत और प्रतीक दोनों को डाउट है, और यदि नजर से गौर से नजर से देखोगे तो आंसर सी होगा, वो भी डायरेक्ट आंसर सी होगा इसका। मतलब इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाओगे तो आंसर सी निकल के आ जाएगा। हाँ उमंग सही बोला, दोनों रिंग प्लस एम की तरह काम करेगी बीच वाली रिंग के लिए। हाँ वेरी गुड बेटा, अभिलाषा, आदित्य, उमंग, वेरी गुड। और भाई जो डाउट पूछने वाले हैं प्रतीक और वेदांत, क्या दोनों बच्चों को समझ में आया? अच्छा आ गया, वेरी गुड। तो अब 166 भी डाउट क्लियर हो गई, 165 हो गया। अब एक काम करते, लास्ट देख लेते थोड़ा सा, ये कहाँ 163 क्लियर, 166 हो गया, 165 हो गया, अब 176। अब तो ओरल डाउट हो रहा है यार, तो 176। भाई नहीं बताऊंगा 176, ये सुजल ने पूछा था मुझे याद है। भाई वो पूछ रहा है यार एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हो जाएगा यार, तो प्लस एम का देख लो ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप जहां जोड़ा है वो रिएक्टिव ज्यादा कर देगा। सी और डी ऑप्शंस। अच्छा भाई सी और डी, अरे बच्चे सी और डी की यदि मैं बात करूंगा, सी और डी मतलब थर्ड और फोर्थ, या CCl3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? सुजल तुम ही बताओ, CCl3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? लो उसको सेकंड में माइनस एम लिख रहा है, NR2+ जो है, NR2 जो है, तो पता सुजल तुम्हें GOC शायद सही से तुम्हें याद नहीं आ रही है लग रहा है। आप मेरी बात देखो, 176 वाले में बात करूंगा तो जो सेकंड वाला है NR2 लोन पेयरेंस के ऊपर, ये प्लस एम की तरह काम करेगा,
माइनस एन की तरह काम नहीं करेगा। लोन पेयर हैं, दो आर हैं, वो प्लस आई और लगा रहे हैं, तो अच्छा होगा ना प्लस एम। तो ये तो सेकेंड, मैं ऑर्डर लिखता हूं, मैं बताता हूं मैं इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए। सेकेंड आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए, फिर आना चाहिए फर्स्ट, और फिर आना चाहिए फोर्थ। लॉजिक सुन लो, इसका प्लस एम और थर्ड वाले में भी प्लस एम, ठीक है, और फर्स्ट वाले में इनडायरेक्टली देखा जाए तो माइनस आई लग रहा है, और फोर्थ वाले में देखा जाए तो माइनस एच, हाई रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब दिमाग पर जोर डालो थोड़ा, याद है ना CCl3- क्या शो करता है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और नहीं दिमाग पे ज्यादा जोर डालना हो तो ये माइनस आई लगाता है, खत्म। और बताओ सुजल, ये समझ में आया क्या? ओके, तो 176 भी क्लियर हो गया डाउट। अब तो अब कौन सा, इसके बाद कौन सा डाउट था? 176 के बाद 182। यार ये क्यों पूछ रहे हो 182? कौन पूछा 182 डाउट? वन एट्टी टू किसका डाउट है? क्लास में करवाया था 182। तो चलो 182 डिसमिस। 188, हाँ ये मैं करा देता हूँ 188। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर गलत देख लिया किसका? नमन बेटा किसका आंसर गलत देख लिया? चलो 188 देखो। सुनो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं 188, जैसे यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो देख लो एक बार। वो कह रहा C8H10 हाइड्रोकार्बन है जिसका नाइट्रोजन कराया, तो दो एंड ओनली टू आइसोमर ही मिलते मुझे। सुनना, अच्छा, ठीक है ठीक है। और वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट फिट दिस। इसका एक काम करो, इसका ऑप्शंस के स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, आंसर आ जाएगा। हाँ इथाइल बेंजीन, और उन्होंने बताया जाइलीन तो बता ही दिया, या तो जाइलीन से चेक कर लो ना ऑर्थो जाइलीन। हाँ चेक ऑप्शंस लिख देता हूँ यासमीन भाई, जिसने पूछा वाने चेक ऑप्शंस से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो 188 के बाद आता है 191। वन नाइनटी वन किसने पूछा बेटा? यार आंसर बिल्कुल डायरेक्ट डी लगा दो ना आंखें बंद करके, कथन ये तुम्हारा मुझे कंसेप्ट अच्छा लगता है सर, डायरेक्ट डी लगाओ इसका आंसर। कौन नहीं देगा? जो कौन नहीं देगा जिसमें लिख तो फाइल नहीं बनेगा। एक गिलास पानी देना भाई। सिंपल सा क्या है कि 191 में, समझ में आया बेटा, जहां इलेक्ट्रो फाइल नहीं बनेगा। उमंग 2 मिनट रुक जाओ, 190B में रिअरेंजमेंट होगा ना? तो बेटा रिअरेंजमेंट छोड़ो ना, एक ही मुझे बताओ, सुनना आपको यदि याद हो तो फील्ड कार्ड में रिअरेंजमेंट होता है क्या? उमंग तो फिर तो वहां तो बन जाएगा ना, बी तो दे देगा। वो पूछा कौन नहीं देगा ना, नॉट फीडर कार्प। देखो ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये वाला, किसी को दिक्कत नहीं है। बी वाले में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, मैं सभी बना देता हूँ, खुद मैच कर लेना कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये वाला,
और डी में बनेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल कौन, ये वाला। अब मुझे बता दो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल सुटेबल नहीं है। उमंग भार्गव कौन सा सुटेबल नहीं है, ये नहीं है ना सुटेबल। नॉट गिफ्ट फ्यूचर क्राफ्ट ना। और 193 इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर। ओहो एसिडिटी ऑफ फिनॉल चेक करना है, फिनॉल की एसिडिक करेक्टर कौन बढ़ाता है। देखो एक काम करो 193 में फिनॉल का क्या बना दो, फिनॉक्साइड। एच चला गया बाहर। अब मुझे बताओ इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, कौन सा ग्रुप जोड़ दूं मैं। तो इससे मैं माइनस एम का यदि ग्रुप जोड़ देता हूं, यदि माइनस एम का ग्रुप जोड़ दूंगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना कॉन्जुगेट बेसिक की। भाई जिसका किसका डाउट था 193। प्रतीक बेटा आपको याद हो एसिड अच्छा कौन सा होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए, और किसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, देखो जो इस ओ नेगेटिव के चार्ज को कंज्यूम करेगा वो स्टेबल करेगा ना। आप खुद चेक करो कि इन चारों ऑप्शंस में कौन करेगा। कंसंट्रेटेड एस्ट्रेस ऑफ फोर्स यदि आप रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा ना, देखो ध्यान से ये बनेगा ना सल्फोनिक। और ये कैसे काम करेगा, ये एज अ माइनस एम काम करेगा, मतलब ये क्या करेगा एसिड कैरेक्टर को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। प्रतीक हाँ ठीक है डाउट क्लियर हो गया, बस इतने ही डाउट थे वही आप सब लोगों ने लगा लिए। अच्छा मुझे बताओ सब कुछ समझ में आया ना। वैसे डाउट जिस हिसाब से आप लोगों ने पूछे ना बहुत कम डाउट पूछे हैं, तो इससे मुझे ऐसा अच्छा फील हो रहा है कि आपको आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत लगाए हुए हैं, प्रैक्टिस अच्छी की और क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो गए हैं आप लोगों से। हाँ एरोमेटिक का ओल्ड मॉड्यूल कर लो आप लोग, वो तो सॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है ऑल क्लियर वेरी गुड। नहीं यार देखो एक सिंपल सा है, आप लोगों ने डाउट कम पूछे आप खुद सोचो जल्दी सॉल्व हो गए, तो इससे हमें हमें भी अच्छा लगता है ना कि तुमने अच्छा समझा और तुमसे सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कम डाउट पूछे तुम लोगों ने। आई थिंक मॉड्यूल से तुमने डाउट पूछोगे नहीं मुझसे, तो मॉड्यूल तो तुम वैसे ही कर लोगे चुटकियों में कर लोगे मॉड्यूल, ये दो डाउट आएंगे केवल। अच्छा सुनो मेरी बात, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर के अब मेरी बात सुन लें, बाकी सब बातें मेरी मेरी सुनो बाद में आप सुनाना अपनी। सबसे पहले क्या है जो MS चौहान के रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए तो वो मैं आज टिक लगा के मतलब लिख के भेजता हूँ पहले वो, और एरोमेटिक का मॉड्यूल भेज रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर वाला, ये आपको सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है हाँ वो आज मैं पक्का बेटा ग्रुप में भेज दूंगा ओल्ड मॉड्यूल। ठीक है ना चलो ठीक है बेटा बाय, थोड़ा और रिवाइज कर लेना टॉपिक को ठीक है ना। अच्छा सुनो नेक्स्ट वीक में दोनों ही लेक्चर में शायद मैं डाउट सेशन ही रखूंगा जिसमें कि आपको एक वीक और मिल जाएगा रिवाइज करने का प्रॉपर तरीके से, तो फिर नेक्स्ट वीक में मैं अल्कोहल स्टार्ट करूंगा फिर मैं। ओके आराम से प्रैक्टिस करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो। भाग्यश पाटिल टाटा।